हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। पेपरों की तैयारियाँ ठीक चल रही हैं ना? अच्छे मार्क्स आने चाहिए, वरना टीचर गुस्सा करेंगे। और कौन गुस्सा करेंगे? फादर्स, है ना? ये पापा कितने गुस्से वाले होते हैं। डर लगता है पापा से? नहीं लगता, अब तो नहीं लगता। 9th में जो हो गए हो, बड़े हो गए हो ना, उन्हें समझने लग गए हो। लेकिन जब आप छोटे थे तब तो पापा से बहुत डर लगता था, है ना? सारा दिन मम्मी की गोदी में घुस जाया करते थे, पापा के बड़े बड़े हाथ, डर लगता था उन्हें देखकर, और बड़ा बड़ा मुंह। और जब वो जमाई लेते थे तो भी आपको डर लगता होगा, लगता होगा कि पापा तो जायंट हैं, दैत्य हैं। और वो बात बात में गुस्सा भी करते होंगे, डांटते भी होंगे आपको, और आपको भी गुस्सा आता होगा। शायद आप कह ही देते होंगे कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं, सारी मम्मियाँ ही होती सिर्फ तो अच्छा था। हाँ, ये बात ठीक है कि अब आप ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि समय के साथ आप में समझ आ गई है कि पापा आपको क्यों डांटा करते थे। अब आपको वही रीजन जस्टिफाई होते हैं जो पहले आपको अपसेट करते थे, अब आप में समझ आ गई है। सही कह रहा हूँ ना? गुड। अब आपकी पापा के साथ ट्यूनिंग हो गई है। आज ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसी बातें? प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आज मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है, पेरेंट्स की बॉन्डिंग, एस्पेशली फादर एंड डॉटर की। या एक छोटी सी लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपके बीहाइव के चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं, विच इज़ द लिटल गर्ल, एंड दैट गर्ल इज़ केजिया। आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। मैं लेकर आया हूँ इस पार्ट की समरी। कहानी बहुत दिलचस्प है, कैथरीन मैंसफील्ड की लिखी हुई, लेखिका हैं न्यूजीलैंड से, और बहुत सुंदर कहानी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि 9th क्लास के सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपके सिलेबस का और लेसन्स का, राइटिंग स्किल सेक्शन का, ग्रामर टॉपिक्स का लिंक आपको भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पर। आप भी अपनी प्रॉब्लम भेजते हैं यूट्यूब के साथ साथ, तो मैं मुझसे लिंक के बारे में पूछिए, मैं आपको लिंक भेजूँगा जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उस बच्ची की, जो शुरू तो होती है कि उसको अपने पापा से बहुत डर लगता है, लेकिन ये डर बदल जाता है अंडरस्टैंडिंग में। और बीच में कहानी में क्या होता है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि उस बच्ची के लिए तो पापा क्या थे? एक डर की चीज़ थे, एक ऐसी चीज़ थे जिसे कि उसे दूर रहना है, अवॉइड करना है उसे। हालांकि उसके पापा जब ऑफिस जाया करते थे तो उसके कमरे में आकर उसे गुड बाय किस जरूर दिया करते थे, कैजुअल किस देते थे, और वो भी उसे गुड बाय पापा कहती थी। और जब वो चले जाते थे, उनकी बग्घी की आवाज़ धीरे 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 मध्यम होती जाती थी, तो उस छोटी बच्ची के लिए वो गुड सेंस ऑफ रिलीफ होता था। और शाम को जब वो वापस आते थे, फिर वही डर। वो पास आके खड़ी हो जाती थी सीढ़ियों के पास, और जब वो सुनती थी उसके पापा की वही ज़ोर से आवाज़ें, चाय लाओ, न्यूज़पेपर लाओ, माँ बाहर जाके देखो मेरा न्यूज़पेपर है तो लेकर आओ, मेरे स्लीपर लाओ। और माँ क्या कहती थी केजिया को? केजिया बेटा नीचे जाओ और पापा के शूज़ उतारो। माँ के कहने पर वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर के पापा के पास जाती थी। जब तक वो उसके पास पहुँचे तब तक पापा चश्मा लगाकर अखबार पढ़ना शुरू कर रहे होते थे, और उसको देखते ही वो कहते थे जल्दी करो जो काम कहा गया है आपको, और आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, आज तुमने अच्छे काम किए। तो वो हकलाती थी, स्टट्टर करती थी, वो स्टैमर करती थी, वो कहती थी आई डोंट 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 नो, तो वो कहता था यू डोंट 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 नो। पापा गुस्सा करते थे, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारी माँ को कहूँगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए। और प्यारे बच्चों, केजिया ऐसा सिर्फ अपने पापा के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि
क्योंकि वो उसे डर जाती थी, डर के कारण उसके शब्द नहीं निकलते थे। ऐसा किसी और के साथ नहीं होता था। इस झुंझलाहट में पापा उसको फिर से डांटते थे। वो कहते थे कि माँ, इस बच्ची को, केजिया को, छोटी बच्ची को बिहेव सिखाओ, बेटर वेज सिखाओ। हालांकि था तो वो डर, वो बड़े बड़े हाथ देखती थी पापा के, डर जाती थी। वो गर्दन देखती थी पापा की, इतनी बड़ी गर्दन है। क्योंकि कैथरीन मैंसफील्ड जो लेखिका हैं, वो सब कुछ इस कहानी में एक छोटी बच्ची की नज़र से देख रही है। हमें तो नहीं लगते पापा के हाथ बड़े, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे, 6 ईयर्स 7 ईयर्स, तब तो हमें लगते थे ना वही बड़े बड़े हाथ, बड़ी गर्दन। और जब वो जम्हाई लेते थे, यान करते थे, बिल्कुल उसको वो लगता था ये तो दानव है पापा कोई, तो वो डर जाती थी। तो मम्मी पापा की बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए दादी माँ उसे कहती थी कि आप जो हैं पापा मम्मी से बातें किया करो बेटा। और वो हर संडेज़ को उनको उनके पास भेजा करती थी। लेकिन जब केजिया अपने माता पिता के पास जाती थी तो वो क्या देखती थी कि मदर तो हमेशा बिजी है पढ़ने में, और पापा, इस फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए मदर को भी और पापा, बेड पर सोए रहते थे संडे को, स्ट्रेच लंबा पड़ जाते थे और मुंह के ऊपर रुमाल रख देते थे और पैरों में एक तकिया और सो जाते थे और ज़ोर ज़ोर से खराटे भरते थे। इतने केजिया क्या करती थी, अब दादी ने तो नीचे भेज दिया मम्मी पापा के पास, मम्मी भी बिजी, पापा सो रहे हैं, वो क्या करें, तो वो एक स्टूल पर बैठ जाया करती थी और उस स्टूल पर बैठकर उनको एक टक देखती रहती थी। अब मेरे पापा उठेंगे और अब डांट लगाएंगे। और उसी समय थोड़ी देर बाद उसके पापा उठते थे और वो सबसे पहले क्या पूछते थे, क्या टाइम हुआ है। और वो कहते थे कि तुम यूं क्या मुझे घूरी जा रही हो, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक एन ब्राउन ओउल। उसको अपनी बिटिया बिल्कुल ओउल जैसी लगती है। ये आप देखिए, मैं आपके लिए ब्राउन ओउल भी पिक लेकर आया हूँ। तो एक दिन क्या होता है, ग्रैंड मदर केजिया से कहती है, ग्रैंड मदर की ये प्लानिंग होती है कि पेरेंट्स को और बच्चों को जो है साथ रखा जाए, है ना। वो कहती है कि बेटा नेक्स्ट वीक आपके फादर साहब का बर्थडे है, तो आप उनके लिए ना एक पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन क्या होता है ये देखिए आप, क्योंकि वो राइटर हैं, लिखते हैं और उनका टेबल भी है, बेड टेबल है एक, उस पर कागज़ पड़े रहते हैं। तो आप ऐसा करो, एक ना उनके लिए पिन कुशन बनाओ, पिन्स की उन्हें जरूरत पड़ती है ना। तो वो ठीक है, वो कहती है ओके। तो वो उनको एक येलो रेशमी कपड़ा देती है और वो केजिया क्या करती है उसको तीन तरफ से सिल लेती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट टू फिल इट विद। अब उसके अंदर डाले तो क्या डाले। केजिया अपनी मदर के रूम में जाती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर तो गार्डन में चली जाती है ना, तो मदर के रूम में जाती है, वहाँ देखती है, वहाँ कुछ नहीं मिलता उसको कि वो उसको फिल कर सके कुशन बनाने के लिए। तो फिर वो क्या करती है, केजिया एक बेड टेबल को देखती है जो उसके पापा की होती है, और उसके ऊपर बहुत सारे कागज़ पड़े होते हैं, बहुत सारी शीट्स पड़ी होती हैं, उन पर कुछ लिखा भी होता है। तो वो क्या करती है, उन सबको एक एक करके टियर करती है और उसको उसको स्टफ़ कर देती है, उसको कुशन को उसमें भर देती है और वो एक कुशन बन जाता है। और वो फिर उसको फोर्थ साइड को भी जो है शू कर देती है, सिल देती है। इस तरह से उसका कुशन तैयार हो जाता है। लेकिन उस दिन घर में तूफान आ जाता है, ह्यू एंड क्राई एवरीवेयर, कहाँ है मेरे कागज़, किसने लिए हैं, खा जाऊंगा, पापा गुस्से में हैं, मेरी स्पीच मिसिंग है। नौकरों से पूछा जाता है, नौकर कहते हमने तो नहीं देखी। तो फिर फाइनली केजिया की बारी आती है, सभी ढूंढते हैं मिलते नहीं है, केजिया की बारी आती है। केजिया इज इट यू, क्या तुमने देखे हैं। तो वो क्या जवाब देती है, भोला भाला जवाब कि वो तो मैंने फाड़ दिए और एक सरप्राइज मैं बना रही थी पापा के लिए, इस कारण मुझे उन शीट्स की जरूरत थी, मैंने फाड़ दिए। तो मम्मी कहती है कि अभी नीचे जाओ, अभी नीचे जाओ, पापा ने हल्ला मचा रखा है और तुमने किया है ये। तो उसको वो ड्रैग डाउन करते हैं, खींच कर नीचे लाया जाता है, जहाँ पर उसके पापा इधर उधर हो रहे होते हैं, अपने हाथ उसके बैक पर होते हैं पापा के, और वो ऐसे टहल रहे होते हैं, कहाँ है मेरे कागज़, इसने लिए थे। तो वो पूछता है डिड यू डू दैट, तुमने किया, केजिया मैं तुझे कच्चा सवा डालूंगा। तो अपनी माँ को बोलते हैं, केजिया के पापा अपनी माँ को बोलते हैं, माँ
फैच दैट डैम थिंग, वो डंडा लेकर आओ, स्टिक लेकर आओ, आज इसकी पिटाई करूंगा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आज मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ कि तुम्हें जिन चीज़ों को नहीं छूना उन्हें नहीं छूना चाहिए, जो तुम्हारी नहीं है, जो तुमसे संबंधित नहीं है, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, यू शुड नॉट टच दोज थिंग्स। तो गुस्सा करते हैं, तो क्या जवाब देती है, बट पापा वो तो मैंने आपके लिए बर्थडे का गिफ्ट बनाया था, इसलिए मैंने ली थी। और पापा आ जाते हैं छड़ी लेकर और उसके गुलाबी हाथों पर दे डंडे पे डंडा, दे डंडे पे डंडा। बहुत रोती है वो, खूब रोती है, और दादी उसको गले से लगाती है, शॉल में छुपा लेती है और अपने सॉफ्ट बॉडी से चिपका लेती है ताकि बच्ची को आराम मिले। वो बच्ची क्या कहती है, केजिया क्या कहती है, लिटिल गर्ल व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि भगवान ने पापा क्यों बनाए, इतने मारने वाले पापा, इतना गुस्सा करने वाले पापा। देखिए आप, कैथरीन मैंसफील्ड ग्रेट सब कुछ छोटी बच्ची की नज़रिए से हमें समझा रही है। आप भी ऐसा करते थे, पूछ के देखो मम्मी से, हो सकता है आपके पापा आपसे बचपन में भी बहुत प्यार करते हों, कभी गुस्सा ना करते हों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि गुस्सा भी करते हों, किसी के गुस्सा करते हों, मूँछों वाले हों, बड़ी 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 गर्दन वाले। तो आप पता लगाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या आपके पापा बचपन में आपको बहुत डांटा करते थे, तो फिर क्या हुआ, जब भी पापा उसे मिलते तो वो अपने हाथ पीछे कर लेती और उसके गाल जो हैं पापा को देखते ही रेड हो जाया करते। पड़ोस में ही रहते थे मैकडोनाल्ड्स फैमिली, वो देखा करती थी फैंस के पास खड़ी होके कि ये तो परिवार बड़ा अच्छा है, मैकडोनाल्ड्स तो अपने पांचों बच्चों के साथ खूब खेलते हैं, टैग गेम खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं पार्क में, मेरे पापा तो ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे तो मैकडोनाल्ड के कंधों पर झूल रहे होते हैं, दो बच्चे तो कोट की पॉकेट पकड़ के इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो उसे पता लगता है कि कितने तरह के पापा भगवान ने बनाए हैं, एक ये पापा हैं और एक मेरे पापा हैं, कितनी तरह के पापा होते हैं, अलग अलग तरह के, मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं हैं। एक दिन क्या होता है कि केजिया की माता बीमार हो जाती है और दादी माँ उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। अब घर में अकेली रह जाती है केजिया एलिस के साथ, जो उसकी कुक है। तो वो कहती है एलिस को कि आज रात को मैं कैसे सोऊंगी, मुझे तो रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। यहाँ पर लेखिका क्या कहना चाहती है, कैथरीन मैंसफील्ड कहना चाहती है कि जैसा व्यवहार बच्चों के साथ दिन भर होता है ना, डर वाला, पापा ऐसे डराते हैं तो रात को भी कौन से सपने आएंगे डरावने। तो वो एलिस को कहती है कि आज तो ग्रैनी घर पे नहीं है, आज मुझे बुरे सपने आएंगे तो मैं किसके साथ सोऊंगी, कौन मुझे गोदी से जो है अपने सीने से लगाएगा, कौन मुझे पुचकारेगा। तो वो कहती है कि आज तुझे बुरे सपने नहीं आएंगे और तू पापा को तंग मत करना, बेचारे पापा थक के सोते हैं, ठीक है। उस रात फिर से उसे सपना आया, वही सपने में कौन आया, बुच्चर, कसाई, काटने के लिए हाथ में रस्सा लिए, छुरा लिए, और वो एकदम से डर गई, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी दादी। वो आंखें खुली तो देखती है कौन है सामने, पापा। अब चेंज हो रही है कहानी फिर से, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विद फादर। फादर आए, अब बुरा सपना आया, दादी दादी चिल्लाई, सामने कौन आए, पापा, मोमबत्ती जल रही है, क्या हुआ बच्चे, व्हाट्स द मैटर, पापा ने पूछा। उसको उठा लिया अपनी बाजुओं में, पापा ने उन्हीं बड़ी बड़ी बाजुओं में, बड़े बड़े हाथों में, और ले गए अपने बेडरूम में, चलो बेटा आज मेरे साथ सोना। और वो भी उसके साथ चिपक कर सो गई, उसने अपना सिर जो है पापा की बाजू में छुपा लिया और पापा की शर्ट को कस के पकड़ लिया। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, अब वो सुरक्षित महसूस कर रही थी, और वो देखती है कि पापा थके हुए हैं इसलिए पहले ही, मुझसे पहले ही सो गए हैं। तभी उसके मन में एक
फनी फीलिंग आती है, अजीब से विचार आने लगते हैं पापा के बारे में ही, अब उसकी समझ पैदा हो गई है। पुअर पापा कहती है, बेचारे पापा, इतने बड़े तो नहीं हैं जितने बड़े मुझे लगा करते थे, इनका कोई ध्यान भी नहीं रखता मेरे पापा का। हाँ ये हार्ड तो हैं, दादी से हार्ड हैं ये, लेकिन ये हार्डनेस नाइस है। उन्हें कितना काम करना पड़ता है जब वो उनके साथ सो रही है, चिपक कर उसको शर्ट को पकड़ा हुआ है, ये कितना थक जाते हैं। टू टायर्ड टू बी आ मैकडोनल्ड, ये मेरे पापा मैकडोनल्ड कैसे हो सकते हैं, ये तो बहुत मेहनती हैं, दिन भर की मेहनत के बाद थक जाते हैं, ये मैकडोनल्ड नहीं हो सकते, मैकडोनल्ड अलग हैं, मेरे पापा हैं। आखिर उसे पता लगता है कि मैंने भी तो गलती की थी, जो पापा ने मुझे छड़ी से पीटा, मैंने भी तो पापा के लेख फाड़ डाले थे। अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, देखिए आप बाप बेटी में, छोटी सी बच्ची में। तो जब वो ये सब सोच रही है कि मेरी भी तो गलती थी, तभी पापा उठते हैं, बोलते हैं क्या फिर से कोई सपना आया। तो वो कहती है, सपना तो नहीं आया, लेकिन मेरा सिर जो है आपके दिल पर है, या और मैं आपके दिल की धड़कन सुन पा रही हूँ, अब मैं आपको समझ गई हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। यस, तो बदल गई ना कहानी, फियर से अंडरस्टैंडिंग में द लिटिल गर्ल की कहानी अपने पापा के बारे में। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो चलिए फिर लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि सर ने द लिटिल गर्ल बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आने वाला हूँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, और क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत हैं, तो मैं MCQs पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। गूगल फॉर्म पर तो आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको 9th क्लास के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, उस पर क्लिक करो, मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाओ। क्वेश्चन पेपर देख लिया आपने कि कैसा आने वाला है हरियाणा बोर्ड में इस बार? ज़रूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए और उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। मेगा फाइनल रिवीजन का ड्राइव शुरू हो रहा है जनवरी 16 से, ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।